देखो इस बात से तुम कतई मुंह नहीं मोड़ सकते कि कभी डोरेमोन वाली सुजुका तुम्हारी क्रश हुआ करती थी। बोले तो ड्रीम गर्ल बे। बेन टेनिसन हमारे लिए वन एंड ओनली सुपर डुपर सबसे ऊपर वाला हीरो हुआ करता था, और पिकाचू एकमात्र पीले रंग का जानवर जो जानवरों की हरकतें छोड़कर बाकी सभी काम करता था। मतलब वो भी क्या दिन थे जब हम टॉम एंड जेरी देखने के लिए आधी रोटी खाकर आधी छत पे चढ़कर दूसरों के घरों में हवाई जहाज बनाकर फेंक दिया करते थे। लेकिन जैसे हर पिल्ला कुत्ता बनता है, हर लड़की ही अपनी अपनी चॉइस होती है, उसी तरह हर बच्चा जवान भी होता है, और जवान होने के साथ साथ उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। अब बच्चे नोबिता को सुजुका की लेते हुए देखना चाहते हैं। जो पहले चोट्टा भीम को बाहुबली समझते थे, अब वो WWE देख के अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन 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 हमारे जवान दिल को ठेस तब पहुंचती है जब हमें पता चलता है कि सिंचन अभी तक नल्ला ही घूम रहा है बे। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा अपुन इसलिए सोच रहा है क्योंकि अपुन को बहुत पहले से लगता था कि सिंचन का चुटकी के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है बे। खैर ये दो प्रेमी जोड़ों के बीच की बात है तो हमें क्या मतलब, हम आगे चलते हैं। हाँ तो कुछ ऐसे हवसी बच्चे भी होते हैं जो आज तक सुजुका को अपनी यादों से मिटा नहीं पा रहे होते हैं, तो फिर वैसे बच्चे डोरेमोन की फिल्म वाली सीरीज देखकर सुजुका को अपनी यादों में ताजा रखते हैं बे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जवान तो हो जाते हैं लेकिन उनका दिल बच्चा होता है, और इसलिए अब ये ओवर मैच्योर्ड बच्चे कार्टून का गाली वर्जन देखना पसंद करते हैं। मतलब तुम्हें पता ही होगा कि जरूरत पड़ने पे आविष्कार हो ही जाता है। जरा सोचो नोबिता सुजुका को गाली देता हुआ कितना चूतिया लगेगा बे। इतना कुछ होने के बाद जब हम बच्चों की जवानी एक लेवल और अप जाती है तो हमारा मन हैरी पॉटर से भी भर आता है, और यही वो शुभ घड़ी है जब जवानी की देवी मियां खलीफा सबके मन में प्रकट होती है। नहीं मतलब सोचने वाली बात है यार, सुजुका सारा कुछ थोड़ी कर पाएगी हम जवान बच्चों के लिए, लेकिन मियां सब कुछ कर सकती है यार। जो तुम करवा लो, बस फैंटेसी सर्च करो और हाजिर है तुम्हारे पास मियां देवी। नहीं मतलब इस देवी की माया को देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि ठुकैया भी जॉब की गिनती में आता है बे। स्टेमिना, लेंथ, पलंबर और तेज, कीप गोइंग, न जाने कितने नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं, वो भी दर्द भरी आवाज में। अब हमारे लिए सुजुका और छुटकी बस एक कार्टूनी कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। ना तो अब उनको देख के हमारा खड़ा होता है रोंगटा, और ना ही उनको देखने के लिए हम अपनी टीवी का रिमोट छुपाते हैं। हाँ कभी कभी बीच बीच में बेन टेनिसन की याद आती है, लेकिन टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन के सामने वो भी चाय कम पानी बन के रह जाता है। लेकिन कुछ भी बोलो, बेन की सिस्टर ग्वेन में कुछ तो ऐसा खास था जो आज भी मुझे उसकी तरफ खींचे ले जाती है। अब क्योंकि तुम लोगों ने अपना ड्रीम गर्ल सुजुका के बदले मियां खलीफा को बना लिया है, तो तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाओ। इसलिए कालिया से डरो और जल्दी जाके ठोको ताली नहीं सब्सक्राइब बटन, और कमेंट भी कर देना लेकिन ओनली पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को तो मैं पढ़ने वाला हूं नहीं क्योंकि मेरे माथे पे चूतिया तो लिखा हुआ नहीं है। और डिस्क्रिप्शन भी एक बारी चेक कर लेना क्योंकि और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वरना तुम ये भी बोलोगे कि तुम चैनल में भी जाके देख सकते हो। हाँ देख सकते हो, आगे कुछ नहीं कर सकते हम, कमेंट लाइक बाकी सब्सक्राइब कर ही दोगे तुम्हें मुझे पता है। चलता हूं आउट्रो लगा देता हूं, आउट्रो MVP बंटा का चुराया हुआ है, चलते हैं, कॉपीराइट नहीं आता है इसलिए लगाता हूं। कड़क बन मत बन तू ठोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा छोकला।